कंज्यूमर कोर्ट में आपने केस डाल रखा है इनके खिलाफ। हाँ मैंने 3 तारीख को क्या करूँ, ऑनलाइन फिर केस डाला, जब ये रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे तो फिर मैंने 3 तारीख को डाला। फिर बात तय है कि इनके 1 लीटर इंजन के अंदर कुछ तो इशू है और ये फोक्सवैगन को भी पता है, लेकिन उससे गलत बात ये वो इतनी ज्यादा हो गई है कि मैं जितनी बार भी ब्रेक लगाता हूँ उस गाड़ी में हर बार वो नॉइस आती है। एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, इशू भी रिजॉल्व करना नहीं चाह रहे हैं और कस्टमर को भी ह्यूमिलेट कर रहे हैं। ईपीसी इशू आ गया, फ्यूल पंप भी चेंज कर दिया इन्होंने। ईपीसी एरर भी आया था। ईपीसी देखा जाए तो सर्विस के लिए गाड़ी अभी तक सिर्फ 2 ही बार जानी चाहिए थी, तो अगर मेरा सर्विस रिकॉर्ड देखा जाए तो कम से कम मेरी गाड़ी 20 से ज्यादा बार सर्विस सेंटर विजिट कर चुकी है। तो सिमिलर चीज हम भी करेंगे, उन्होंने कूड़ा ढोया था हम शायद गधे से खिंचवा देंगे। इसे मेरे बगल में ई रिक्शा रुकता है तो सिमिलर नॉइस आती है। अब इससे ज्यादा क्या बेइज्जती हो सकती है ब्रांड की है? तो दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल दक्ष अग्निहोत्री पे। मेरा नाम है दक्ष और आज मैं रखूँगा अपना पक्ष। तो दोस्तों आज आपके लिए लेकर आए हैं फॉक्स वैगन की वेंटो। भाई मैं आपको बता दूं पहले तो इंजन कौन सा है, ये 1 लीटर TSI इंजन है VW का। तो ये वही 1 लीटर का TSI इंजन है जो VW ग्रुप जो है अपनी काफ़ी सारी गाड़ियों में दे रहा है, जो कि आपके टाइगून कुशाक लाविया वर्टस में भी आपको ये सेम इंजन देखने को मिलता है 1 लीटर TSI इंजन। एंड ये ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में टॉक कन्वर्टर के साथ है, ये सेम इंजन सेम ट्रांसमिशन जो आपको जो है इनकी आज की गाड़ियों में देखने को मिलता है। ये देखो भाई टॉक कन्वर्टर भाई, लेकिन 1 लीटर के इश्यूज मार्केट में काफ़ी फैले हुए हैं। अगर हम स्लाविया वर्टस टाइगून वगैरह की बात करें तो कुछ लोगों को ब्रेक की दिक्कत है भाई, कुछ लोगों को माइलेज की दिक्कत है, कुछ लोगों को अलग अलग तरह के इश्यूज आ रहे हैं। बिकॉज दोस्तों आज की डेट में तो वेंटो आती नहीं है, लेकिन सेम इंजन ट्रांसमिशन के साथ जो है टाइगून कुशाक वगैरह आ रही है। तो अगर आप इन गाड़ियों की तरफ जाते हैं, बिकॉज इस गाड़ी के जो ओनर है भाई वो इतने सर्विस सेंटर के चक्कर लगा चुके हैं, आपको अभी वो खुद बताएंगे, मतलब इतने चक्कर लगा चुके हैं, VW की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं है। तो आज आपको जवाब मिलेंगे कि क्या अगर आप भी VW की गाड़ियां ले रहे हैं आज की डेट में तो क्या आपके लिए लेना सही है। तो आइए अब आपको मिलवाते हैं गाड़ी के ओनर से। तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। थैंक यू दक्ष, थैंक्स। एक बार अपना इंट्रोडक्शन हो जाए। मेरा नाम भूपिंदर चौधरी है और मैंने ये फोक्सवैगन वेंटो हाईलाइन प्लस ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन लिया था अराउंड 2 साल पहले, दिसंबर 2021 में। 2020 में लिया था? हाँ 2020, रजिस्टर्ड इन जनवरी 2021। ओके ओके। तो उसके बाद से मतलब गाड़ी तो बहुत अच्छा परफॉर्म करती है, एज सच कोई इशू नहीं आया मुझे कभी। लेकिन मुझे जो पहला इशू रिपोर्ट हुआ वो हुआ था इसकी ब्रेक नॉइस को लेके। ब्रेक नॉइस को लेके जब मुझे इसका इशू रिपोर्ट हुआ, मैंने सर्विस सेंटर गाड़ी भेजी है। हाँ जी। गाड़ी भेजने के बाद में उन्होंने इसके ब्रेक शू वगैरह क्लीन करके बोले सर ये ठीक होगी, अब आप ले जाओ। क्या हुआ फिर उसके बाद? उसके बाद मुझे 7-8 दिन बाद फिर से सेम नॉइस आई। मतलब कुछ आपको लगा नहीं कि ठीक हुआ है? उस टाइम जब उन्होंने क्लीन करके दे दिया तो 4-5 दिन तक कोई दिक्कत नहीं हुआ, 7-8 दिन बाद फिर से वैसे इशू आने लग गया। तो मैंने फिर से सर्विस सेंटर भेजी गाड़ी, उन्होंने फिर से क्लीन करके दे दिया। फिर मुझे फिर से 7-8 दिन बाद सेम इशू आने लग गया। फिर मैंने सर्विस सेंटर में कंप्लेन की, उन्होंने गाड़ी मंगाई, लेकिन इस बार मैं थोड़ा सा रिजिड हो गया। मैंने बोला मैं हर बार मैं गाड़ी नहीं भेज सकता आपके लिए। तो उन्होंने बोला सर इस बार हम फोक्सवैगन से टेक्निकल टीम को बुलाएंगे और आपकी गाड़ी को 3-4 दिन तक रखेंगे। अच्छा। और उसके बाद आपको कोई इशू नहीं आएगा। तो मैंने दे दी गाड़ी उनको, देने के बाद में गाड़ी उन्होंने मुझे 3-4 दिन रख के वापस कर दी। उसके 15 दिन तक उनके पास रही गाड़ी। ओके ओके। और उनके हिसाब से जब मैंने उनसे पूछा कि उन्होंने उस गाड़ी में किया क्या है, तो उन्होंने बोला इस बार हमने पूरा पीछे का ब्रेकिंग सिस्टम ही चेंज कर दिया, लेकिन फिर से आने लगी सिमिलर नॉइस, वही ब्रेक नॉइस। ब्रेक नॉइस क्या उनका रिस्पांस रहा फिर? उनका रहा कि सर अगर आपको फिर भी लगता है तो आप ले आना। लेकिन उसके बाद मैंने 6-8 महीने गाड़ी चलाई और पिछले 1.5-2 महीने से बहुत ज्यादा नॉइस आ रही है। अब वो जो पहले चींची की आवाज से फ्रिक्शन नॉइस में कन्वर्ट हो गई है, वो इतनी ज़्यादा हो गई है कि मैं जितनी बार भी ब्रेक लगाता हूँ उस गाड़ी में हर बार वो नॉइस आती है। और अब तो मुझे डर भी लगने लगा है गाड़ी चलाते हुए, पता नहीं ब्रेकिंग सिस्टम की ब्रेक ही सबसे इम्पोर्टेंट है। सही बात है, अगर ब्रेक में कॉन्फिडेंस ना आए। अब मैं पिछले 1 महीने से फोक्सवैगन को मेल लिख रहा हूँ इनके हायर अथॉरिटी से लेके सर्विस सेंटर तक। हाँ जी। सर्विस सेंटर के हिसाब से ये होता है कि सर ऐसा है आप हमें गाड़ी दे दीजिए, हम आगे कंपनी में एक्सकलेट करके देखते हैं इसको क्या रिस्पॉन्स आता है। एस्केलेशन को तो छोड़ो, उनकी तरफ से कोई रिप्लाई तक नहीं आ रहा कि हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। पर मैंने फाइनली उसके बाद में कंज्यूमर कोर्ट में 3 जनवरी को जाके मैंने कंज्यूमर कोर्ट में आपने केस डाल रखा है इनके खिलाफ।
हाँ मैंने 3 तारीख को क्या करूँ, ऑनलाइन फिर केस डाला, जब ये रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे तो फिर मैंने 3 तारीख को डाला फिर। अच्छा सर एक बात बताइए, गाड़ी कितनी चला दी आपने? 38,000 चला। 38,000 किलोमीटर में सर्विस का एक्सपीरियंस कैसा रहा इनका? टेक्निकली देखा जाए तो सर्विस के लिए गाड़ी अभी तक सिर्फ 2 ही बार जानी चाहिए थी, क्योंकि इनकी 15,000 पे मेजर सर्विस होती है, 15 और 15। तो अगर मेरा सर्विस रिकॉर्ड देखा जाए तो कम से कम मेरी गाड़ी 20 से ज्यादा बार सर्विस सेंटर विजिट कर चुकी है। 20 से ज्यादा बार सॉल्यूशन फिर भी नहीं हुआ? फिर भी नहीं हुआ। और सिर्फ ये ब्रेकिंग नॉइस तो एक मेजर इशू है ही है। मेरी गाड़ी में इंफोटेनमेंट सिस्टम 2 बार चेंज हो चुका है, क्योंकि वो फेल हो गया था। क्यों, क्या रीजन था उसका? वो ऑटोमेटिकली अपने आप फ्लिकर कर रहा था। अच्छा, दोबारा डाला वो फिर फ्लिकर कर रहा था, फिर उसके बाद में चेंज किया 3री बार इन्होंने। ईपीसी इशू आ गया, फ्यूल पंप भी चेंज कर दिया इन्होंने। ईपीसी एरर भी आया था? ईपीसी एरर भी आया, फ्यूल पंप भी चेंज। ईपीसी एरर तो कुशाक वगैरह में देखने को मिल रहा था। ईपीसी भी आया था? ईपीसी भी आया था इसमें। मतलब ये दिक्कत कुशाक वगैरह में नहीं, इनके 1 लीटर इंजन में ही है। तो ईपीसी के साथ में उन्होंने फ्यूल पंप भी चेंज कर दिया मेरा। अच्छा, एंड ये जो आप बता रहे थे इंफोटेनमेंट चेंज करा, फ्यूल पंप चेंज करा, इसके कुछ पैसे लिए या फ्री? नहीं, पैसे नहीं लिए। अच्छा, वारंटी में फ्री में? वारंटी के अंदर किया, उसके पैसे नहीं लिए। लेकिन वारंटी के अंदर करने का मतलब ये थोड़ी हरासमेंट नहीं है। एक छोटा से बड़ा दूसरा भी आ जाए, मेरे यहाँ से सर्विस सेंटर 40 किलोमीटर दूर है। अब बताओ, हर 40 किलोमीटर जाना, 40 किलोमीटर आना और पूरा दिन वहाँ पे लगाना। उसके बाद मैंने उनसे ये पूछा कि आप बताइए करना क्या है, तो वो कह रहे हैं कि हम आपको एक लोनर कार्ड देते हैं, आप उसे चला के देखो उसमें फ्रिक्शन नॉइस है कि नहीं है। अच्छा, अब मैं उनसे यही कह रहा हूँ कि लोनर कार्ड चला के मैं क्या करूँगा, मेरी गाड़ी में नॉइस है, मुझे लोनर कार्ड से क्या लेना देना है, टेस्टिंग आपका काम है, मेरा काम थोड़ी है। जब ये उन्होंने मेरी गाड़ी लेके गए थे कि सर अब इसका ब्रेकिंग सिस्टम पूरा चेंज करेंगे, ड्रम, मतलब जो सर्विस सेंटर में थी, हाँ, तो उन्होंने लोनर्स कार के तौर पे मुझे एक टाइगुन 1 लीटर हाईलाइन दी थी। अच्छा, जब तक ये सर्विस सेंटर में थी? जब तक ये सर्विस सेंटर में थी। हाईलाइन ऑटोमेटिक थी और वो दी थी, और इट इज ओन्ड बाय अ फोक्सवैगन एम्प्लॉय। ये पर्सनल नोट में मुझे बोला था कि उनकी भी गाड़ी में सेम आवाज है, ये तो बहुत ही एविडेंट है कि जो 1 लीटर के इंजन हैं उनके अंदर है। लेकिन अगर आप फोक्सवैगन के एम्प्लॉय हो तो आप तो रोज वहाँ जा रहे हो, आप तो अपनी रोज क्लीन करा लोगे। हम तो 40 किलोमीटर जाके, हमारे तो बस की नहीं है कि डेली जाके उसको क्लीन करा। उनकी खुद की नहीं ठीक हुई होगी, भले वो एम्प्लॉय है वहाँ के। अब एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, इशू भी रिजॉल्व करना नहीं चाह रहे हैं और कस्टमर को भी ह्यूमिलेट कर रहे हैं। मतलब अगर सर्विस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो व्हीकल की जो परफॉर्मेंस है वो सबसे अलग है, लेकिन सर्विस एक्सपीरियंस तो बहुत ही बेकार है। क्या आपके पास इससे पहले कौन सी गाड़ी थी? मेरे पास फोर्ड थी इससे पहले, मेरे पास एस्पायर थी, फोर्ड एस्पायर। अच्छा, तो मैंने एक दो गाड़ियाँ देखी, होंडा सिटी देखी, इंटीरियर वाइज अंदर से बहुत अच्छी गाड़ी थी, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं वो ड्राइविंग प्लेजर नहीं मिल रहा था। फिर मैं उसके बाद गया फोक्सवैगन, ब्रेकिंग नॉइस का जो इशू है वो चलता रहा, वेरिएबल होती रही, लेकिन आज की डेट में ये सिनेरियो हो चुका है कि मुझे वाकई इसमें बैठने में और चलाने में डर सा लगने लगा है। फैमिली को भी कैसे बैठाओगे जब हम खुद ही कॉन्फिडेंट नहीं है। फैमिली को डर लग रहा है, हमें डर लग रहा है, फोक्सवैगन सुन नहीं रहा है। अगर आप ले जाके ब्रेक शू क्लीन करके दे दोगे या रिप्लेस करके दे दोगे, उससे प्रॉब्लम तो सॉल्व हो नहीं रही है, कस्टमर परेशान हो रहा है बस। जहाँ तक मैंने इंटरनेट पर जितना रिसर्च किया और इनकी बाकी की गाड़ियाँ भी देखी, सब गाड़ियों के अंदर ये सिमिलर 1 लीटर के अंदर इशू लोग रिपोर्ट कर, ये तो बात तय है कि इनके 1 लीटर इंजन के अंदर कुछ तो इशू है। और ये फोक्सवैगन को भी पता है, लेकिन उससे गलत बात यह है कि फोक्सवैगन को पता होते हुए भी कस्टमर को मिसलीड कर रहे हैं, उसको सही सोल्यूशन देने को रेडी नहीं है। कंपनी सेंट्रिक अप्रोच है इनकी, कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच बिल्कुल भी नहीं है। अगर कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच होती तो मैं 1 साल से चक्कर लगा रहा हूँ, तो इनको पहली बार में ही समझ जाना चाहिए कि इस गाड़ी के अंदर इशू है। और मैं तो मल्टीपल इश्यूज रिपोर्ट हो रहे हैं, ब्रेक नॉइज तो एक ऐसा है जो परफॉर्मेंस तो छोड़िए सेफ्टी रिलेटेड है। अच्छा, वैसे कितने की पड़ी थी आपको ऑन रोड उस टाइम पे? ये 15 लाख समथिंग के अराउंड आती थी। 15 लाख रुपए की? हाँ जी। एक बात बताओ, आपने 2020 दिसंबर में लिया, आपने ये नहीं सोचा कि कुछ ही महीनों में कुछ आग आ रही है, या फिर आपको पता नहीं था? पता तो था, लेकिन मुझे उस टाइम पे था कि मुझे सेडान ही चाहिए थी, तो सेडान के पॉइंट ऑफ व्यू से और गाड़ी तो अच्छी है ही। अब आज कोई मॉडल है कल को डिसकंटिन्यू हो जाए तो वो तो कोई ऐसी बात नहीं कि आज मैं गाड़ी ना खरीदूं। फोर्ड के बाद बिल्ड क्वालिटी कैसी लगी इसकी? मुझे तो इक्विवेलेंट लगती है, फोर्ड वॉज ऑल्सो। और मुझे नहीं याद मैं फोर्ड में कभी गया था सर्विस से रिलेटेड, उसके बाद कभी फोर्ड के सर्विस सेंटर गया था अपार्ट फ्रॉम नॉर्मल सर्विसिंग। जितने चक्कर मैंने यहाँ फोक्सवैगन के लगाए हैं उतने तो मैंने किसी गाड़ी के लिए नहीं लगाए कहीं पर भी। एक सोचिए, इनका एक टेक्निकल हेड मेरे पास में आता है, नाम नहीं ले रहा मैं, और मैंने उनको जब उन्होंने कंफर्म किया कि जी ये फ्रिक्शन नॉइस है, तो उनका रिस्पांस देखिए क्या है कि सर जो ब्रेकिंग सिस्टम है वो एक्सपोज्ड पार्ट होता है, इसके लिए इट इज मोर प्रोन टू एक्यूमुलेट डस्ट एंड डर्ट।
तो मैंने, मेरा सवाल उनसे यही था कि सर आप कौन सी गाड़ी में आए हो जिसके टायर बंद है। सर हर गाड़ी का ब्रेकिंग सिस्टम एक्सपोज्ड होता है, ये कैसा लॉजिक है? वो भी एक टेक्निकल हेड दे रहा है कि सर ब्रेकिंग सिस्टम एक्सपोज्ड होता है इसके लिए फ्रिक्शन नॉइज आती है। माइंड भी वो कुछ और कहना चाह रहा है, मानने को तैयार नहीं है कंपनी। कंपनी तो क्या, सर टेक्निकल हेड खुद कह रहा है, लेकिन कंपनी ठीक करने को तैयार नहीं है। मानने से मेरा कोई थोड़ी फायदा हो रहा, मान भी रहे हो लेकिन आप ठीक भी तो नहीं करके दे रहे हो। क्या फायदा और ठीक ऐसा नहीं है, मैंने अपॉर्चुनिटीज नहीं दी है। कितनी बार खुद गया हूँ और आपने गाड़ी भी रखी है। अगर कुछ नहीं करेंगे तो सर लीगली लड़ना पड़ेगा, लेकिन गाड़ी मैंने इसके लिए थोड़ी लिया कि मैं लीगल कभी लड़ूंगा जाके। कितना टाइम वेस्ट होता है, पैसा कितना वेस्ट होता है, सिर्फ वो इनको समझ में नहीं आता ना। इनको तो लगता है हमारे पैसे आगे, बस कोई रिस्पांस नहीं है, कोई रिस्पांस नहीं, जीरो रिस्पांस। ब्रेक नॉइज से परेशान होके इतने चक्कर लगा दिए, ऐसा क्या मतलब सॉल्यूशन भी नहीं मिला? आप तो खुद 1 लीटर टाइगोन आपके पास थी, आई थिंक आपके पास सेम इशू था, तो आप तो खुद कोरिलेट कर सकते हैं। जब आपने क्यों बेची गाड़ी, आप भी परेशान हो गए ना कि सर्विस सपोर्ट नहीं मिला आपको। बस ये है कि आपने बेच दी और मैं अभी भी सर्विस सेंटर के चक्कर ही काट रहा हूँ। और ये भी है कि उनके लिए नया नहीं है, जैसे मैंने पहले भी बोला नया नहीं है, आपने भी बेची, परेशान होके बेची, खुशी खुशी नहीं बेची। लेकिन कंपनी को थोड़ा सोचना चाहिए कि भाई अगर कस्टमर परेशान होके गाड़ी बेच रहा है आपकी, इट इज समवेयर अ नेगेटिव पॉइंट फॉर अ कंपनी ऑल्सो। सही बात है, कंज्यूमर को ही तो नुकसान उठाना पड़ रहा है ना, कंपनी को नहीं उठाना पड़ रहा, इसलिए कंपनी देखती भी नहीं है। टाइम भी कंज्यूमर का वेस्ट हो रहा है, पैसा भी उसका वेस्ट हो रहा है, कल वो बेचेगा। अगर कंपनी ने सॉल्यूशन देना होता और कंपनी को लगता कि जी मेरा नुकसान हो रहा है या जी ऐसे लोग रिपोर्ट करेंगे तो मेरी गाड़ियां नहीं बिकेंगी, तो कंपनी कम से कम उसके बारे में सोचती। तभी मैंने आपको बोला कि अगर आपने प्रोग्राम 2.0 लाया तो सर्विस के लिए भी लेके आओ, वरना आप फेल हो जाओगे कम्प्लीटली कंट्री के अंदर। इंसान लेता है सिर्फ खुश होने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाना है। सही बात, मेरा काम है गाड़ी में जाना, मेरा काम ही ऐसा कि मुझे रोज गाड़ी चलानी है और रोज डरना है मैंने ब्रेक लगाते हुए, भाई पता नहीं किस दिन खुल जाएगी नीचे से। एक्सपोज पार्ट होता है, एक्सपोज पार्ट है ना। माइंड बैक ऑफ द माइंड ये भी था कि साल में एक ही बार जाना है, 15,000 से लाओगे नहीं है, लेकिन अब ये हो गया कि साल में 10-12 बार आपने जान ही जाना है। 10-12 बार तो बंदा साल में फैमिली के साथ बाहर नहीं जाता कहीं पे। एक रिचुअल सा बन चुका है कि जी हमने हर 15-20 दिन बाद फोक्सवैगन के एक सर्विस सेंटर में जाना है, कभी ब्रेक नॉइस आएगी, कभी जी ईपीसी चेंज कराना है, कभी इंफोटेनमेंट चेंज कराना है, कोई ना कोई दिक्कत, मतलब आपको कोई पता ना कोई जाने दिक्कत बनी ही रहती है इसके अंदर। और फोक्सवैगन को मुझे पता है कि शायद फोक्सवैगन को भी ये सारे इश्यूज पता है, मैं अकेला बंदा नहीं होऊंगा जिस जो ये रिपोर्ट कर रहा है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कंपनी को पता होते हुए भी वो सोल्यूशन नहीं दे रही है और कस्टमर को गाड़ियां बेचे जा रही है। ठीक है आप गाड़ियां बेचो ना, आपका काम है, लेकिन एटलीस्ट कंज्यूमर के बारे में सोचो। इतनी हार्ड अर्न मनी आपने सही बात है, इतने सारे ब्रांड्स को छोड़ के आपके पास में आ रहा है, भाई ये गाड़ी लेनी भी चाहिए नहीं लेनी चाहिए। इसलिए नहीं कि गाड़ी चलने में बेकार है, गाड़ी चलने में बहुत बढ़िया है, लेकिन सर अगर इतने सर्विस सेंटर के चक्कर काटने हैं तो फिर वाकई कोई नहीं चाहेगा, कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। भाई मैं ये रिकमेंड करूंगा कि अनलेस एंड अनटिल आप रेडी हो 1 लीटर लेके और माइंड आपने सेट किया हुआ है कि भाई छोटे मोटे ब्रेक नॉइस इशू है ये सब को मैं लेके गाड़ी रख सकता हूँ अपने पास में, तो आप ले सकते हो। या आपका माइंड सेट ऐसा है कि मुझे हर साल गाड़ी बदलनी है या हर दूसरे साल गाड़ी बदलनी है तो ले सकते हो। और अगर आपको लगता है कि नहीं मैं ब्रेक नॉइस वगैरह नहीं झेल सकता या जो बाकी के इनके इश्यूज हैं उनके साथ में नहीं रह सकता, तो बेटर है जी आप ऐसे मॉडल्स देखो जिनमें इश्यूज नहीं है। हमारे लिए तो बहुत पैसे जोड़ के गाड़ी ली जाती है ना, पैसे थोड़े ही के जी हम जाके रिप्लेस कर लेंगे। मैं इनफैक्ट लास्ट टू लास्ट वीक इनके पास गया भी और मैंने बोला भाई अगर आप सॉल्व नहीं कर सकते ना मेरी गाड़ी ले लो वापस, मेरे को कोई दूसरी दे दो भाई। 15 महीने हो चुके हैं मुझे इशू के साथ में कंपनी से लड़ते लड़ते। 15 महीने हो चुके हैं और अभी तक मैं सिमिलर इशू को लेके कंपनी से बात कर रहा हूँ। अब सर आप सोचते होगे काश होंडा सिटी ले ली होती, क्या पता उसमें भी कोई इशू आता। देखो फ्यूचर तो हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन होंडा सिटी में ऐसा कोई इशू रिपोर्टेड अभी तक नहीं है जिससे कंज्यूमर इतने परेशान हो रहे हैं। रिसर्च करने के बाद में पता लगा और लोगों को भी सिमिलर इश्यूज है 1 लीटर इंजन के साथ ही। हाँ, और उसी से फिर मुझे आपका भी वीडियो मिला, आपको भी दिक्कत है 1 लीटर इंजन के साथ में। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि कंपनी को पता ही नहीं है, फोरम भरे पड़े हैं, यूट्यूब चैनल्स भरे पड़े हैं, लोग सर्विस सेंटर जाके रिपोर्ट कर रहे हैं, कस्टमर केयर में रिपोर्ट कर रहे हैं, मेल भेज रहे हैं इनके कंट्री सर्विस हेड तक को, तो कंपनी कैसे मना कर सकती है? कंपनी को पता ही नहीं है। इनको 2.0 प्रोग्राम तो लिया है, उसमें सेल अच्छी कर रहे हैं, लेकिन सर्विस अप्रोच इनकी अभी भी वही पुरानी वाली है। सर्विस अप्रोच वही है, ये बात बिल्कुल सही बोली, गाड़ियां इनकी नहीं है, सर्विस वही पुरानी है। अगर सर्विस अप्रोच वही पुरानी रहेगी, आज इन्होंने जो ये
कर रहे हैं कि माइलस्टोन अचीव कर लिया हमने, एक साल में पुटिंग टुगेदर स्कोडा एंड फोक्सवैगन 1 लाख गाड़ी बेच ली, तो इनको इसके लिए भी तैयार रहना चाहिए कि उन्होंने कुछ परसेंटेज ऑफ कस्टमर अपने लिए ऐसे तैयार कर दिए हैं कि कंप्लेन आने ही वाली है। सही बात है। तो पॉइंट ऑफ सेलिब्रेशन के साथ साथ एक डिसअपॉइंटमेंट भी है कंपनी के लिए कि अगर वो इसको एड्रेस नहीं करते। बिल्कुल सही बात है। और दिक्कत क्या है, अगर 1 लाख गाड़ियां बेची हैं तो मोस्टली जो है इनकी 1 लीटर ही बिकी हैं, क्योंकि सर वो कॉस्ट इफेक्टिव है ना। लोग कॉस्ट इफेक्टिव में, अगर आपको फन टू ड्राइव इंजन चाहिए तो लोग 1 लीटर में चले जाते हैं, लेकिन जाने से पहले ये थोड़ी सोचते हैं मुझे दिक्कत आएगी। कोई भी कंपनी तो इस बात को मानती नहीं है कि उनके इसमें कोई दिक्कत है, क्योंकि बंदा फैमिली के साथ लेने जाता है, टेस्ट ड्राइव में उसे मजा आता है, फैमिली में हर बंदा कहता है बहुत बढ़िया गाड़ी है, बहुत बढ़िया गाड़ी। उस टाइम पे दिमाग में भी नहीं आता कि कल को इतने चक्कर लगाने पड़े। लेकिन अगर आपने एक बार ले ली बिल्कुल तो कंपनी के पास तो पैसे आ गए, फिर तो फिर आप चक्कर लगाओगे मेरी तरह। हाँ। बस यही कर सकते हैं आप इससे, सवारी अपने सामान की खुद से, या फिर थोड़ा स्ट्रांग हो जाओ, फिर लड़ने की हिम्मत रख लो कंपनी से। वही है, फिर अगर लड़ने की हिम्मत भी रखो अपने काम काज का नुकसान उठाओ तो सर करेंगे क्या भाई। पैसे कोई ऐसे हमने तो लिए नहीं थे जो भाई ऐसे कहीं से मिल गए और हमने गाड़ी लेके आ गए। हार्ड एंड मनी है सर, ऐसे थोड़ी कि अगर कंपनी रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रही है तो कोई आगे रास्ता ही नहीं है, रास्ते तो खुलते हैं सर। अभी जैसे कोर्ट में गए हैं और लोग मिल रहे हैं, आप जैसे लोग मिल रहे हैं, सही लोगों तक बात को अपनी पहुंचाई जाएगी आपके थ्रू। ऐसा तो है नहीं कि लोग मिलेंगे नहीं, लेकिन कंपनी को एड्रेस करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, चाहे कोई भी हो। सर आपका कोई मैसेज जो आप कंपनी को, बिकॉज कंपनी के भी कुछ लोगों ने जो है सब्सक्राइब कर रखा है चैनल को, अगर कोई कंपनी की तरफ से देख रहा है आप कोई मैसेज देना चाहेंगे उन्हें? कंपनी इन सब चीज़ों से अनजान तो है नहीं, लेकिन मैं अपनी बात बताता हूँ कि मेरे को जो इशू और मैं पिछले 15 महीने से कंपनी से लड़ रहा हूँ, ये सॉल्व तो कर नहीं सकते, इतना तो मुझे पता चल गया। अगर आप सॉल्व नहीं कर सकते ना तो भैया मेरे को ये गाड़ी आप ले लीजिए मेरे से, मैं कुछ भी ले लूँगा, लेकिन मुझे मेरे पैसे वापस कर दो, आप ये गाड़ी ले लो। और इनफैक्ट मैं लास्ट वीक गया भी था इनको देने के लिए, लेकिन उन्होंने बोला कि सर देखते हैं क्या करते हैं, लेकिन भैया मैं इस तरीके से तो अनसेफ गाड़ी नहीं चला सकता जिसमें ब्रेकिंग इशूज़ हैं। मेरे से रिलेटेड ये है कि भाई आप मेरी गाड़ी लीजिए, आप मुझे जो भी रिफंड है मेरा रिफंड करिए, मैं कुछ भी देख लूँगा, लेकिन मैं ऐसी गाड़ी तो नहीं चला सकता। सही बात है। या तो कंपनी गाड़ी सेल करती है वो बोल दे ये गाड़ी हम सेल कर रहे हैं, आफ्टर सेल का काम किसी और का है। हाँ, हुंडई में करवा लो, कहीं और करा लो जी आप, हुंडई में जाके सर्विस करवा लो। अगर आपकी गाड़ी है और आप सॉल्व नहीं कर पा रहे तो कस्टमर को सॉल्यूशन दीजिए ना, ऐसे थोड़ी कि मैं मेल कर रहा हूँ आपको, आप महीने तक रिप्लाई नहीं कर रहे हो किसी चीज़ का। और अगर कुछ भी नहीं हो पा रहा एटलीस्ट तुम रीसेल वैल्यू अच्छी लगा लो, अब कल को होगा ही रीसेल वैल्यू भी नहीं लगाएंगे, कुछ नहीं लगाएंगे सर इसकी। लेकिन ऐसी गाड़ी की चला के मैं करूँगा भी क्या, ये थोड़ी सोचता रहूँगा कि रीसेल वैल्यू नहीं लगाएंगे ये लोग, इनकी रीसेल वैल्यू के पीछे थोड़ा मेरा एक्सपीरियंस रुका रहेगा सर। और मैं कल को ऐसी गाड़ी थोड़ी चलाऊंगा, मैं तो निकाल के जी कुछ भी ले लूंगा ना जो एटलीस्ट मुझे सेटिस्फेक्शन दे सके। ऐसे इतने चक्कर लगा लिए सर्विस सेंटर के, कितना कुछ हो गया, अभी भी आप कह रहे हैं कोई हल नहीं, कोई सोल्यूशन नहीं हुआ, तो मतलब अभी भी अगर कुछ नहीं हुआ तो आप क्या करेंगे, इतना टाइम हो गया। सर एक पुराने टाइम पे हमने कहावत सुनी थी कि कोई हमारे राजा कहीं से गाड़ी लेके आए थे और उनको गाड़ी देने में कंपनी ने बड़ी दिक्कत की थी, उन्होंने गाड़ी में कूड़ा भर भर के ढोया था हमारे यहाँ पे। तो अब ये कि ब्रांड को अगर कोई सॉल्यूशन देना होगा तो देगा, जल्दी से दे देगा तो बेटर है, नहीं देगा तो सर सिमिलर चीज़ हम भी करेंगे, उन्होंने कूड़ा ढोया था हम शायद गधे से खिंचवा देंगे, यही होगा, इससे ज़्यादा क्या करोगे। और सीरियसली मैंने बताया कंपनी को, फ़ोन करके बोला कि आपकी गाड़ी में ऐसी नॉइस है, मेरे बगल में ई रिक्शा रुकता है तो सिमिलर नॉइस आती है। अब इससे ज़्यादा क्या बेइज्जती हो सकती है ब्रांड की है, कि ई रिक्शे में सिमिलर आवाज़ आ रही है जो आपकी गाड़ी में 15 लाख की है। सही बात है। तो कंपनी क्या गारंटी लेगी? कुछ नहीं। वो गारंटी ले भी ले तो कोई कांड हो गया तो क्या कर लेगी कंपनी बाद में? वो पहले ही नहीं दे ले, वो इसलिए ले ही नहीं रहे गारंटी। सही बात है, वो कुछ कह ही नहीं रहे, वो कह ही नहीं रहे, उनकी एक सिंपल अप्रोच है भैया कस्टमर कंप्लेन करेगा करने दो, हमने तो रिप्लाई नहीं करना। दोस्तों ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मुझे फोक्सवैगन ने बहुत ही ज्यादा ह्यूमिलिएट किया है, और जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें, ताकि ये वीडियो फोक्सवैगन के टॉप अथॉरिटीज़ तक पहुंच सके, या मेरे जैसे लोग जिनको फोक्सवैगन ने ह्यूमिलिएट किया है वो भी अपनी बात को फोक्सवैगन तक रख सकें। थैंक यू। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।